अकोला 24 न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। अकोला जिला ऑटो चालक श्रमिक कामगार संगठन की ओर से दिया गया पालक मंत्री को निवेदन। अकोला जिला के सभी ऑटो चालकों के लिए आर्थिक मदद के लिए निवेदन दिया गया। पूरे देश भर में कोरोना जैसी महामारी चल रही है। ऑटो चालक अपना गुजारा ऑटो चलाकर करते हैं। लॉकडाउन को देखते हुए ये रोड पर ऑटो भी नहीं चला रहे हैं। सभी अपने अपने घर पर बैठे हैं। ऑटो चालकों की परिस्थिति काफ़ी ख़राब हो गई है। इसको देखते हुए 3 महीना होने पर आए हैं, उनकी आर्थिक मदद की जाए, ऐसी मांग अकोला जिला के ऑटो चालक श्रमिक संगठन की ओर से की गई है। माननीय अकोला जिला के पालक मंत्री श्री बच्चू भाव कड़ू उनके हाथों माननीय महाराज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को निवेदन सौंपा गया। अकोला जिला के पालक मंत्री साहब ने बताया कि वो मुख्यमंत्री साहब से इस विषय में चर्चा करेंगे और सभी को आश्वासन दिया कि सभी ऑटो चालकों के लिए कोई ना कोई हल ज़रूर निकालेंगे। अकोला जिला ऑटो चालक श्रमिक कामगार संगठन जिला अध्यक्ष इलियास खान लोधी ने अपने पूरे टीम के साथ पालक मंत्री साहब का आभार व्यक्त किया और कलेक्टर साहब का धन्यवाद किया। निवेदन देते समय उप अध्यक्ष दीपक बगारे, कोच अध्यक्ष मनीष लवारे, महासचिव संतोष शर्मा, सह सचिव अनिल भातुलकर, कार्यकारी सदस्य सुरेंद्र रहाटे, जिला महासचिव संतोष शर्मा सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। हमारे ऊपर जो 75-76 दिन हो चुके हैं, आज तक का सरकार ने हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दी, अभी तक का कोई मदद नहीं हो रही है और भूखमारी की जिंदगी हो चुकी है, आत्महत्या करने की नौबत आ चुकी है और हमारे आज भी ये ऑटो बंद है। इसका हमको कोई रास्ता मिले और कोई सहारा मिले। अभी आप क्या चाहते हैं कि हमको सरकार से, तो आंध्रा सरकार ने मदद करी है, केरला सरकार ने करी, दिल्ली सरकार ने जो मदद की है वो मदद महाराष्ट्र सरकार को हमने CM साहब को निवेदन भेजे है हर जिले से, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई जवाब ही नहीं दिए। आज माननीय पालक मंत्री बच्चों को खोलूँ, इनको अकोला ऑटो रिक्शा संगठन की ओर से निवेदन दिया गया, आर्थिक सरकारी ऑटो चालकों के लिए आर्थिक मदद के हिसाब से निवेदन दिया गया। इस निवेदन के अंदर हम ऑटो चालकों के आज कोरोना लॉकडाउन की वजह से 70-80 दिन से आज हम रास्ते पर नहीं है। ऑटो चालकों की परिस्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी है और इस परिस्थिति से अवगत कराने के लिए आज ये निवेदन हमने पालक मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुँचाने के लिए, माननीय पालक मंत्री जी ने बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से हमारी बात समझ लिया और मुख्यमंत्री हमारी बात पहुँचाएंगे ऐसा आश्वासन दिया। हम इसलिए उनका आभार व्यक्त करते हैं और कलेक्टर साहब को भी धन्यवाद देते हैं। कोरोना संकट में अकोट फैल के नागरिकों का 4 माह का विद्युत बिल रद्द करने की मांग। विराट राष्ट्रीय लोकमंच काउंसिल के मीडिया सेल शहर अध्यक्ष समीर खान ने जिलाधिकारी को दिया निवेदन। कोरोना संकट में अकोट फैल गरीब नागरिकों के रोजी रोटी पर बेरोजगारी की गाज गिरी है। विगत 4 माह से काम नहीं होने से परिवारों में आर्थिक कठिनाई निर्माण हुई है। एक तरफ परिवार के भरण पोषण की चिंता तो दूसरी तरफ कोरोना संकट एवं लॉकडाउन के चलते 4 माह से ना भरा विद्युत बिल की चिंता खाई जा रही है। महावितरण के विद्युत बिल के तकाजे को देखते हुए शासन ने गरीब एवं आर्थिक कंगाल विद्युत ग्राहकों का 4 माह का विद्युत बिल रद्द कर उन्हें राहत देने की मांग स्थानीय विराट राष्ट्रीय लोकमंच काउंसिल की ओर से जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर की गई है। इस लॉकडाउन में महावितरण नागरिकों को प्रलंबित विद्युत बिल तुरंत भरने पर जोर दे रही है, इससे गरीब एवं आर्थिक कंगाल नागरिक चिंतित हो उठे हैं। एक तरफ बरसात शुरू हो रही है तो दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, ऐसे दो संकट का सामना कर रहे गरीब नागरिक फंसे हैं। ऐसे गंभीर एवं विचित्र परिस्थिति में शासन ने गरीब वर्ग को मदद का हाथ देकर उनका मार्च से जून माह तक का विद्युत बिल रद्द कर उन्हें जीवन जीने का अवसर इस माध्यम से प्रदान करने की मांग निवेदन में की गई है। विराट राष्ट्रीय लोकमंच काउंसिल के मीडिया सेल शहर अध्यक्ष समीर खान ने जिलाधिकारी को दिए गए ज्ञापन के अवसर पर सईद खान, मेहताब शाह, विक्की फुलारी, असलम शाह आदि कार्यकर्ता साथ उपस्थित थे। सूर्योदय बालगिरा जीवन आवश्यक वस्तु बाट मनाया राष्ट्रवादी कांग्रेस ने वर्धापन दिन। राकापा की वर्षगांठ पर मलकापुर क्षेत्र से सूर्योदय बालगृह में बच्चों को आवश्यक सामग्री वितरित की गई। राका जिला अध्यक्ष संग्राम गावंडे, महानगर अध्यक्ष राजकुमार मूलचंदानी, पूर्व महानगर अध्यक्ष सैयद यूसुफ अली, पूर्व महानगर कार्यकारी अध्यक्ष प्राध्यापक सरफराज खान, अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय महासचिव सरफराज खान और जावेद जकरिया भी उपस्थित थे। इस समय संगठन की सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए 1 बोरी आलू, 1 बोरी प्याज, 10 किलो लहसुन, झाड़ू, साबुन का 1 कार्टून बार, कपड़े धोने का साबुन का 1 बार, 5 लीटर सैनिटाइजर, बिस्कुट आदि का बॉक्स का वितरण किया गया। गणमान्य लोगों ने पार्टी को इसकी सालगिरह की बधाई दी और निकट भविष्य में अल्पसंख्यक समुदाय को पार्टी से जोड़ने की इच्छा व्यक्त की। इस अवसर पर बच्चों के घर के प्रबंधक शिवराज पाटिल ने अतिथि का स्वागत किया। विधानसभा महानगर अध्यक्ष मोहम्मद फजलू पहलवान, युवा कार्यवाहक अध्यक्ष मोहम्मद साबिर,
युवा जिला अध्यक्ष युवा मोड़ के साथ अल्पसंख्यक विभाग के कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज 10 जून राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का वर्धापन दिवस, इस मौके पे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विभाग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से आज ये बच्चों के आश्रम में हर चीज जो बच्चों को लगती है, आलू, कांदा, प्याज, बिस्किट, साबुन, कपड़े धोने के, नहाने के, सैनिटाइजर, फिनाइल, झाड़ू, ये सब अल्पसंख्यक राष्ट्रीय के हिसाब तरफ से दिया गया है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वर्धापन दिवस निमित्त। हमारे नेता आदरणीय शरद चंद्र जी पवार, अजीत पवार साहब, जयंत पाटिल साहब के आदेश पे आज अकोला में ये कार्यक्रम लिया गया। अकोला 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मिले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले।